उसको खूबसूरत डांस करने के लिए आज 7 अगस्त को इस खूबसूरत जगह पे 2 o'clock की हम लोग लॉन में बैठे हैं और आप लोगों के साथ बैठे हैं। फैमिलीज भी आ रही हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, लोग खाना पीना भी कर रहे हैं और बहुत जल्द अब जिस मोशन में माने लगे वो मजीद एंटरटेनिंग होती जाएगी। लेकिन उससे पहले कि हम इस जाने चले, आए हम 3 सितारों से आपको बुलाते हैं जिनको सिर्फ मुझे याद है कि मैंने उनसे सिर्फ एक दफा गुजारिश की और उनके रिस्पेक्ट, उनकी अनायत, उनकी निगाह नाज है कि उन्होंने फौरन बिना सोचे बिना भी समझे इस महफिल को नदाद करने का फौरन बेड़ा उठाया और इतनी जल्दी, इतनी अर्जेंटली, इतनी खूबसूरत महफिल को आपके सामने डिफाइन किया। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द ओनर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स ऑन डॉन सोसाइटी। दे आर वन ऑफ अ काइंड इन देयर ओन सोसाइटी। Indeed, spectacular personalities. मुझे स्कूल में जूनियर थे लेकिन आज लाइफ में बहुत सीनियर हैं। क्योंकि हैंड्स टू गेदर मैं एक एक करके उनको बुलाता हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर शिरोज काइंडली तशरीफ लाए। आज हजरत आज तालियां आने को आएंगे, हम बुलाएंगे साथ ही मिस्टर हसन काइंडली आप भी आ जाइए। आज ही आ जाइए, सिर्फ 2 मिनट की बात है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनमें सबसे टॉल भी है और सबसे खूबसूरत भी है। आजादी अगर जैसे आजादी मनाने आए हैं तो बात चले, आप जैसे आजादी मनाने आए। हाँ, अगर कोई भारत से आया तो वो बेशक तालियां ना बजाए, ठीक है। चले जी, माइक काइंडली, माइक सबसे खूबसूरत भी है। चलिए एक एक करके पूछते। अच्छा, सबसे पहले वलीद साहब आए जी मैदान में, सबसे खूबसूरत, सबसे वलीद। जस्ट एक कॉल पे इतना खूबसूरत महफिल का इनेकाद कैसे? माइक करीब कर लीजिए। हमारा जो हमारे मोटिव है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो हैं यहाँ पे मोटिव के स्पीकर होते हैं या इवेंट मैनेजमेंट जो यहाँ पे बहुत लाइक करते हैं सिर्फ लोग, तो हमने एक स्टेशन बनाया और एक जगह बनाई कि यहाँ पे आप जैसे लोग आके यहाँ पे इवेंट्स अरेंज करें, यहाँ पे यंगस्टर्स को लेके आए जिनके अंदर टैलेंट्स हैं, वो डिफरेंट यहाँ पे आके परफॉर्मेंस करें, जिसके अंदर जो सिंगिंग कर सकता है वो सिंगिंग करें, आके जो डांसिंग वगैरह जो रैपिंग जो भी कुछ आप लोग कर सकते हैं वो यहाँ पे आकर परफॉर्म करें। और यहाँ पे जो सिटी हाउसिंग की जो आम लोग हैं उनके लिए ये एम्बियंस पहले यहाँ पे नहीं था, तो जब से हम यहाँ पे आए हैं तो तब उसके बाद से ही जो है ये चीज़ यहाँ पे इंशा अलहमदुल्ला ये हुई है। और यहाँ पे हमारे आने से पहले 11 बजे के बाद यहाँ पे आपको कोई पता नजर नहीं आता, तो जब से यहाँ पे हमने कैफे ओपन की है तो माशाल्लाह अब 1-2 बजे भी यहाँ पे लोग आते हैं। माशाल्लाह को तो एक अच्छा माहौल इनको मिला सिटी हाउसिंग को, यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ से लोग मोस्टली जाते हैं बाहर कैंट साइड पे एंजॉयमेंट करने के लिए, सो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी है, सो दे आर एंजॉयिंग देयर सेल्व्स हियर। थैंक यू सो मच। आप माइक फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा मिस्टर हसन, आपके दो व्यूज जानने हैं। एक, ये चाको चौबन महफिल इस रात के इस पहर में आपको कैसी लग रही है? दूसरी बात, इतनी जल्दी आपने कहा कि वी आर रेडी फॉर इट, वाई? एक्चुअली हम जो भी काम करते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे ही करते हैं। ये जो हमने टीओ क्लास बनाया हुआ है ये भी हमने टेम्पररी बेसिस पे ही बनाया। सही हो गया। जैसे हम तीनों दोस्तों ने सोचा यार हमें ये चीज़ बनानी है तो हमने उस पर स्टेप ले लिया, ठीक है ना। तो माशाल्लाह ये हम मुझे बहुत खुशी हो रही है सबको देख के यहाँ पे कि काफ़ी लोग माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं इंजॉयमेंट के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि आप सबको अच्छा माहौल मिले यहाँ पे, आप सबको अच्छा फूड डिलीवर हो, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी है। आपकी मेहरबानी है, मुझे पता चला कि आज आपने 14% का डिस्काउंट दिया, इसके लिए क्या कारण है? बस ये 14 अगस्त जो है हमारे लिए एक इवेंट है, ठीक है ना, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो इनके लिए हमें, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए 14% जो है ना वो ये इतना मायने नहीं लगता, मतलब कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये चीज़ मायने रखती है कि हम 14 अगस्त को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हम 14 अगस्त को आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। चलिए गाँव में पता ही आपके तौर पर दे रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा मुकालमा, मेरी गुफ्तगु आपके साथ शुरू हुई और गुफ्तगु आज इस लेवल पे हम यहाँ पे खड़े हुए। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस इवेंट एंड हाउ डू यू सी द होल टीम एंड एवरीबॉडी कमिंग अक्रॉस फॉर द सिटी एज वेल? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी,
वालेकुम। बाकी सब लोग जहाँ पे जो आपके इवेंट के सारे मैनेजमेंट है, आपकी जो एजेंसी है, वी वुड लाइक टू प्रमोट इट एज वेल हियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। जैसे वनीर भाई ने आपको बताया कि हमारा ये कैफे ओपन करने का मकसद क्या था, दैट वी गिव अ प्लेटफॉर्म टू द पीपल हु आर लिविंग इन सियालकोट एंड डोंट सी एनीथिंग अपकमिंग, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पे लोग आके अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, विद दे कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द सिटी एंड गिव अ लॉट ऑफ मनी एंड जस्ट टेल एवरीबॉडी कि यार हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, यू जस्ट अप्रिशिएट अस। सो इट्स एन ओपन एरिया and open mic for everybody who want to join us. उसके लिए यहाँ पे हम सबको वेलकम करेंगे। वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग अवर ब्लॉगर टीम्स एज वेल जो यहाँ पे आके परफॉर्म करती हैं, अपना बेस्ट देती हैं, और हम उनको प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको हमने आपके साथ कॉपरेट किया है, उनके साथ भी हम इस तरह से करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। बिजनेस इज अ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हम entrepreneurs, we are too much young at this side now. Yes, I do agree, but quite younger than me. Yeah. And so, even the school will look more for it. Alhamdulillah. So, this ye step lene ka maksad, we just make everything. Ye humne sab kuch banaya in just like 25 days. हम लोगों ने कैफे की रेनोवेशन, लोगो एंड एवरीथिंग, हम 25 इयर्स में उसको बनाया, उसको एस्टैब्लिश किया, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दी थ्री माइंड्स। ठीक है, थ्री माइंड्स का कंक्लूजन मुझे दे दें एक जुमले में कि आज इस इवेंट का एम्बियंस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। आपके क्या राय है इसके बारे में? या फिर सारी मदद दी है ना, नो डाउट, इट्स जस्ट टोटली अमेजिंग। मैं जैसे कहा कि जैसे आपके सारे वर्क एक कोऑपरेटिव है एंड दे आर रियली गुड एट देयर वर्क, दे नो व्हाट टू डू। थैंक यू सो मच। मैं आपके कौशल से लगे हाथ, हमारे पास तीन मीडिया पार्टनर्स भी आए थे, मौजूद है ईडीएन न्यूज, उसके अलावा एक और है, मेरा उसका नाम है, उनका भी बहुत शुक्रिया। और फोटो फोटो क्या हाल है कि इन्होंने जो टाइम निकाला, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो टाइम निकाला, एंड थैंक यू कि मैच ने जो टाइम निकाला। एक लफ्ज में अगर मुझे जानना पड़े आप तीनों से, एक लफ्ज, वन वर्ड, इस इवेंट को किस तरह आप कहेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, वन वर्ड? दिस इवेंट इसको मैं पैट्रियटिज्म कहूंगा। पैट्रियटिज्म, आप आगे जाएं। यस, इट्स अ गुड थिंग, देयर इज अ पैट्रियटिज्म, इज अ मस्ट। पैट्रियटिज्म, हमें इस मौके को फ्राहम करने के लिए और इस इवेंट को इतने चार चांद लगाने के लिए।